नमस्कार मित्रों, आज हम ट्वेल्थ आर्ट्स में हिस्ट्री के वैभवपूर्ण अतीत में जो कल हमने भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ा था, आज हम उसी में आगे पढ़ते हैं कि भारत में प्राचीन काल में नाविक शक्ति यानी नौसेना कितनी सुदृढ़ थी, उसके बारे में आज अपने वो पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए प्राचीन भारत में सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व, बोर्ड पे ध्यान देते रहिए, 6000 वर्ष पूर्व जलयान चलने का वर्णन मिलता है। विशेष तौर से उस समय में जलयान का उपयोग विभिन्न व्यापारी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में व्यापार के लिए करते थे। ठीक है, प्राचीन काल में जलयान के लिए नव शब्द मिलता है। कौन सा शब्द मिलता है? नव शब्द, और उस नव से ही बना है नाव। क्या बना है? नाव। संभवतः यह शब्द जलयान के लिए प्रयोग में लिया गया था। ओके? इसी तरह से प्राचीन पुस्तकों में जानकारी मिलती है कि प्रसिद्ध यात्री कोलंबस के जन्म के 1000 वर्ष पूर्व भी, कोलंबस के जन्म के 1000 वर्ष पूर्व भी भारत में जलयान बनाए जाते थे, और जलयानों के माध्यम से समुद्री मार्ग से होते हुए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आना जाना लगा रहता था। ठीक है, इसी तरह से खुले समुद्र में आपको पता ही होगा आज भी सुनामी आती है। अभी अल्फाज तूफान आया था, तो उसमें में सुनामी आती थी, इतनी जलयानों में आधुनिक तकनीक भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से जलयान बनाए जाते थे कि वे सुनामी का भी सामना है वो कर सके। इसी तरह से यात्रियों को लेकर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जलयान जाते थे। ठीक है, प्रसिद्ध बोध यात्री फायान जब भारत आया था, तो उसने दक्षिण भारत से चीन तक की यात्रा जलयान के माध्यम से की थी। वह जावा, सुमात्रा आदि स्थान से होते हुए आगे पहुंचा था। ठीक है, हमारे यहाँ पर 5-6 हजार वर्ष पूर्व विकसित बंदरगाह थी। कितने वर्ष पहले? 5-6 हजार वर्ष पूर्व विकसित बंदरगाह थी, और इन बंदरगाहों में विशेष तौर से अपन देख सकते हैं कि लोथल बंदरगाह है, या अन्य सोपारा बंदरगाह है, ब्रिगकच्छु बंदरगाह है, रत्नाकर बंदरगाह है ना, ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। ये प्राचीन भारत के ऐसे बंदरगाह थे जिन बंदरगाहों के माध्यम से देश विदेश में माल व व्यापार का आवागमन होता था। ठीक, प्राचीन उत्खनन से हमें जानकारी मिलती है कि बंदरगाह से विश्व में मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान के साथ भी व्यापार है वो चलता था। उस समय में भारत का व्यापार मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान आदि के साथ भी संचालित होता था। इसी तरह से प्राचीन काल की पुस्तक आपने धार कहां पर आया हुआ है? वर्तमान में मध्य प्रदेश। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश। धार के राजा भोज, क्या नाम है? राजा भोज द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसका नाम है युक्ति कल्पत्रु। क्या नाम है? युक्ति कल्पत्रु। इस पुस्तक में नौका निर्माण,
नौकाओं का संचालन और दिशा का ज्ञान करने के लिए लोह मत्स्य यंत्र का निर्माण करवाया गया था, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। नौका निर्माण, नौकाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए जो यंत्र है उसका नाम क्या है? लोह मत्स्य यंत्र। ठीक है, इसी तरह से उस समय में विभिन्न जहाजों में लगभग 60 से 75 टन तक का माल बंदरगाह से समुद्री मार्ग से होते हुए आगे तक लेकर जाते थे। ठीक, फिर देखिए इसी तरह से अपन देख सकते हैं कि भारतीय नाविक इतने कुशल और संचालक थे कि वे समुद्री मार्ग से भी जलयानों को संचालित करते थे। जैसे प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार जो मौर्य काल में चंद्रगुप्त के दरबार में दरबारी कवि भी रहे थे, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में नौ दलीय नौ सेना का वर्णन बताया है, जो ये दर्शाता है कि उस समय में उनके पास भी एक शक्तिशाली नौसेना थी। नौ सेना के प्रमुख यानी नौ का प्रमुख जो अधिकारी होता था उसे कर्णधार या महासार्थ के नाम से जाना जाता था। नौका प्रमुख जो होता था उसे कर्णधार या महासार्थ कहा जाता था। इसी तरह पतवार संभालने का कार्य नियामक नामक अधिकारी करता था। समझ रहे हो? पतवार संभालने का कार्य कौन करते थे? नियामक नामक अधिकारी द्वारा किया जाता था। इसी तरह से जलपोत प्रबंध अधिकारी जो होता था, जलपोत प्रबंध अधिकारी होता था, उसे दत्त राशि ग्राहक के नाम से जाना जाता था। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में नाविक शक्ति है वो अपने आप में श्रेष्ठ थी और इस नाविक शक्ति के माध्यम से व्यापार का सुगम संचालन एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक होता था। 60 से 75 टन तक का माल इन जहाजों में लादकर व्यापारी आयात निर्यात कर सकते थे। भारत में उस समय में लोथल, सोपारा, भृगुकचुन, ताम्रलिप्ति जैसे कई श्रेष्ठ बंदरगाह थे। विशेष तौर से प्राचीन काल में रत्नाकर महोदधी जो वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, इन बंदरगाहों से व्यापार सुगमता पूर्वक किया जाता था। ठीक, फिर ध्यान दीजिए, इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में जलयान व्यापार में महत्वपूर्ण थे। सिंधु नदी घाटी सभ्यता से प्राप्त जो मोहरें हैं उन मोहरों पर भी जलयानों के चित्र प्राप्त होते हैं। सिंधु नदी घाटी सभ्यता से जो मोहरें प्राप्त हुई है उन पर भी जलयान के चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक, धार के राजा, धार कहां पर आया हुआ है? मध्य प्रदेश। ठीक, याद रखना धार पर परमाणु का शासन था और धार मध्य प्रदेश के राजा भोज के यहां जो संस्कृत पाठशाला थी उसी संस्कृत पाठशाला को देखकर ही अजमेर के
विद्यालय स्थापित किया गया था जिसे संस्कृत पाठशाला के नाम से जाना जाता है। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को ढाई दिन के झोपड़े में परिवर्तित किया, जहां आज भी पंजाब शाखा पीर का ढाई दिन का उर्स भरा जाता है। ये साथ में याद करने की बात है। दार राजा भोज द्वारा, वही दार के राजा थे भोज, उनके द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम क्या है बोर्ड में देखिए, युक्ति कल्पतरु। क्या नाम है? युक्ति कल्पतरु। एग्जाम में छोटा प्रश्न आधे नंबर का पूछा जा सकता है, ओके। और उसमें किसका वर्णन मिलता है? नौका निर्माण, नौकाओं का संचालन, नौकाओं को समुद्र में दिशा यंत्र, दिशा को जानने के लिए जो दिशा यंत्र होता था जिसका नाम है लोह मत्स्य यंत्र आदि की जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह अपने मौर्य काल में चंद्रगुप्त के दरबारी कवि मेगस्थनीस ने अपनी पुस्तक इंडिका में भी नौसेना के गठन का वर्णन बताया है। उस समय में नौसेना के या नौका के प्रमुख को कर्णधार या महासाथ कहा जाता था। पतवार संभालने का कार्य नियामक करता था। जलपोत प्रबंध का अधिकारी दत्त राशि ग्राहक होता था। ठीक है।